सो यहाँ मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं आप। और आप देखो मेले का टाइम है तो मेले में ना फूफा शुरू हो गया है। ये देखें मेले में ऐसी आवाज़ें नहीं आई तो क्या आई। तो एक पेस्ट्री ले ली हमने रेड वेलवेट। तो सारे बिस्कुट हैं आपको 40 रुपये पाव दे रहे हैं भैया, ये देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर कार्तिकीय ब्लॉग में। तो आजकल ना किसान मेला लगा हुआ है पंतनगर में, तो जो है किसान भाइयों के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं किसान मेले में, और वैसे भी लोग घूमने जाते ही हैं तो हम भी देखते हैं कि किसान मेले में क्या क्या चीज़ें आई हैं। वैसे ना बहुत सारे लोग जो पौधे लेना चाहते हैं और जो कोई बीज वगैरह लेते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, सोयाबीन आता है, सोया जो खाने वाला सोया होता है बच्चों के लिए, चिप्स वगैरह वो भी आते हैं। तो हम भी देखते हैं और चलते हैं किसान मेला और आपको भी चलते हैं। तो रॉकी को देख सकते हैं आज थोड़ी सी ना आँखें खोल रखी हैं और पूंछ भी हिला रहा बेचारा हमें देख के। आज ना इसको ग्लूकोज चढ़ाया है और इधर देखिए इसकी आँखों में जाएगी, हालत खराब हो गई थी, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है आज ना रॉकी। अरे सो रहा है तो इसको आराम करने देते और हम चलते हैं और फिर मिलते हैं। हरी भी रेडी हो गया है और कार्तिके और हम लोग जा रहे हैं और इधर मीनू और कार्तिके अपना अभी गाड़ी निकाल रहे हैं, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं किसान मेला कैसा लग रहा है। हर्षित कैसा लग रहा है, खुशी हो रही कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही किसान मेला जाने की। चल फिर इसको घर में पढ़ाई कराया, तेरे को हो रही खुशी है, इसको कहाँ जाना है पढ़ाई कर, पढ़ाई करनी है। उल्टी आने ऐसा हो रहा है इसको ना, गाड़ी देख करके उल्टी आती है, गाड़ी स्टार्ट होने आती तो बस इसका उल्टी का शुरू हो गया ड्रामे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज प्रिंस का बर्थडे है और प्रिंस आज पार्टी कराने वाला है ना प्रिंस, है ना। बाय बाय, अभी आ रहे ठीक है पार्टी करने, मम्मी से कहना पार्टी रेडी रखना ठीक है, रात को करियो। अरे जाने ज़्यादा भीड़ होगी पंतनगर मेले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं पंतनगर मेला और अभी ना गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही, देखिए पूरी गाड़ियों फुल हो रही है, पूरा पार्किंग फुल है यहाँ पर को भी। तो चले गए हैं आगे को और हम भी चलते हैं और दिखाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही क्योंकि रास्ते में भी ना जाम ही जाम लग रहा था, तो चलते हैं। तो किसान मेला यहाँ से स्टार्ट हो गया है और बहुत लंबा लग चलता है, मतलब बहुत दूर तक लगे रहता है किसान मेला। तो यहाँ देखें पकोड़े लगे हुए हैं, पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, चाय बनाई गई जा रही है, इधर बीज मिलेगा सब जगह, खिलौने देख सकते हैं बच्चों के लिए, औजार भी मिलेगा सारे, बीज देख सकते हैं आप किसान मेले में। ये देखिए बीज ही बीज है यहाँ पर को, यहाँ पे देख सकते हैं आप बीज लेने वालों की कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। ये देखिए यहाँ पर को यहाँ पे कपड़े भी लगे हुए हैं इधर साइड में, एक साइड को कपड़े लगे हैं, एक साइड को बीज वगैरह लगे हुए हैं, मक्के के बीज। लोग चल रहे तो धूप भी बहुत ज्यादा उड़ रही है। तो नींबू देख सकते हैं और ये पौधे मिलते हैं यहाँ पर को इस तरीके के, और यहाँ पे देखिए ये देखें नींबू भी लगे हैं पौधों में, नींबू भी लगे हैं देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए
ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, तो कितने सारे पौधे हैं। तो ये पौधे लेने के लिए लोगों ने देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है लोगों की। और ये देखिए यहाँ पर ये लगे हैं नींबू, देखिए मिर्च के पौधे, और अंदर देख सकते हैं यहाँ इतने सारे अमरूद के हो गए, और बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर को, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए नींबू लग रहे हैं, नींबू वाले पेड़। ये क्या होता है? चीकू शायद। चीकू है शायद, गजब। चीकू भी लगा रहे। स्ट्रॉबेरी का पौधा भी ले जाना है घर को। और ये देख सकते हैं मनी प्लांट, यहाँ पर को मनी प्लांट लगा हुआ है, और बहुत सारे पौधे हैं, आम के भी हैं, आम बनाना, आम मियाँ जकी। ये देखो क्या, अरे वो भी तो है, ये क्या है? हनी है ये तो। ये फ्लावर्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाह। ग्रीन वाले लो सब, ओया चिप्स मिलते हैं यहाँ पर, और वही देख सकते हैं ये मिलता है, मिलती है यहाँ पर को, और बच्चों के खाने के लिए सोया चिप्स। देखिए कितना ढेर लगाया है, लोगों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, पेड़ ले जा रहे हैं लोग सबके लिए। लो भाई ये ले लिया है सोया है? हमें इसके धमाके असर का आनंद लीजिए। अस्सी वाले ₹200, ₹150, ₹120। बच्चों को देखो कैसे बोल रहे हैं, ₹100। इस बार तो भाई बिस्किट भी लगा रखे, नहीं तो और बिस्किट नहीं लगे रहते थे भाई। बाद में ले जाओगे? बहुत सारे बिस्किट लगे हैं, इधर भी लगा रखे हैं, वहाँ भी बहुत ज्यादा लगाए हैं। ये क्या है, जूस जैसा? तो किसान मेले में भीड़ देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए पेंसिल पेन भी लगे हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे रेजर वगैरह। ये देखिए किचन का सामान भी है बहुत सारा यहाँ पर। मेले का फूफा शुरू हो गया है यहाँ से। ये देखो अलग अलग टाइप के अचार कितने अच्छे लग रहे हैं। ये शुगर के लिए रामबाण औषधि देखो, लेकिन इसका रिजल्ट आगे सब इमोशनल। बच्चे तो जूस पीने के लिए रुक गए हैं यहाँ पर को, और यहाँ पर ना अचार वगैरह भी लगाया हुआ है, पैकेटों में अचार, आम का अचार, अदरक अचार। बच्चे जो है ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ये औरा दिखा, देखो ऑरेंज जूस। आरती आप क्या पी रहे हो? लीची। लीची जूस पी रहे हो आप? कैसा हो रहा है? कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं हो रहा, बच्चों के लिए सही है। तैयारी कर रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, देख लेना। चलो अंदर बैठ और क्या उधर कुछ खाना है? सोया मिल्क मिलता है यहाँ पर को, और ये बोतल में दे रहे हैं भैया सोया मिल्क। ये क्या है? एक बार अच्छा सोया जैसे। हर्षित कार्तिक सोया मिल्क टेस्ट कर रहे हैं, कह रहे क्या है ये,
पसंद नहीं आया का? पी के देखो तो एक बार। कार्तिक को पसंद नहीं आया? हाँ हर्षित को भी नहीं आया। टोकरी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये काला बटर है, सोयाबीन, हाँ मसाले हैं, ग्रेवी के सारे नेचुरल पहाड़ के हैं, गंगोली हाट क्षेत्र के हैं, पहाड़ी। अच्छा गंगोली हाट के हैं, गंगोली हाट हम कराए, गंगोली हाट। हम भी गंगोली हाट के हैं ना। गंगोली हाट कौन सी जगह? हमारा सुरखाल। अच्छा, हमारा बैनर है, मंडवा खेती करते हैं हम लोग। अच्छा ये भी है हमारे गांव के, मिल गए हैं पहाड़ के हमारे। ले जाओ गडेरी तो सही हुई, मेरे तो पसंद है गडेरी। घर को ना ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं, लोग यहाँ से ना ट्रैक्टर की बुकिंग वगैरह करवा लेते हैं और यहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर। हर्षित के लिए ट्रैक्टर खरीद देते हैं, ठीक है हर्षित? ये सौर ऊर्जा। ये कंबाइन मशीन्स, गेहूं काटने वाली। इधर मोटर लगी हुई है सारी। हाँ मोटर है। क्या हुआ ये? ये तो कंबाइन है। इतनी बड़ी? इतनी बड़ी तो होती है, इतनी बड़ी होती कंबाइन? मैंने तो आप पहली बार देखी है। छोटी है वो, आगे से और लगेगा तो और बड़ी लगती है। अच्छा मैंने तो कभी सामने से देखा ही नहीं कंबाइन। बताओ ये कंबाइन है, इतनी बड़ी है? देख के मशीन है। अच्छा वो भी कंबाइन है? ऐसा लग रहा है कि अभी एरोप्लेन उड़ जाएगा। तो यहाँ गमले वगैरह मिल रहे हैं और गाय व भैंस का दूध निकालने वाली मिल्किंग मशीन। वाह मशीन भी हैं यहाँ पे इतनी सारी। अच्छा मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं आप। तो सबका मैच देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर, वो बड़ी सी स्क्रीन में, बड़ी सी टीवी में सब लोग मैच देख रहे हैं यहाँ पर। सही हो रहा है। कहीं पे खड़े नहीं है लोग, ये खड़े हैं मैच देखने के लिए। मालाएं देखो कितनी सुंदर सुंदर मालाएं आ रही है। दिवाली का टाइम भी आने वाला है तो मालाएं भी, और आप देखो मेले का टाइम है तो मेले में ना फूफा शुरू हो गया है। ये देखें मेले में ऐसी आवाजें नहीं आई तो क्या आई है ना। ये देखिए कपड़े देखिए आप, इतने ढेर सारे कपड़े आए हैं। यहाँ भी तो कार्तिक और हर्षित आ गए हैं ना पेस्ट्री खाने के लिए। तो पेस्ट्री लगाई है भैया ने, पन्नागर पे इनकी शॉप है और यहाँ पे पेस्ट्री ना, इनकी पेस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है तो यहीं पे हम लोग पेस्ट्री खाते हैं। कार्तिक क्या खाएगा? पिज्जा। पिज्जा और हर्षित बर्गर खाना है। इन्होंने जो पिज्ज़ा बर्गर खाना है अब, और अब इनके लिए ना पिज्ज़ा बर्गर लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ। तो एक पेस्ट्री ले लिया हमने रेड वेलवेट, एक और ये आ गया है बच्चों का बर्गर। कैसे खाएगा ये देखिए, खाने वाली जगहों में भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है, सभी जगह इतनी भीड़ लगी हुई है। पधारो भटूरा देखो कैसे फुला करके रख देते हैं। यहाँ तो सोया ही मिल रहा है सब। तो ये है राजस्थानी बिस्किट्स लगाए हैं भैया ने, राजस्थान से आए हैं लोग और बिस्किट्स लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पर तो नमकीन भी हैं, इतनी सारी नमकीन लगाई गई है। तो सारे बिस्किट हैं यहाँ पर तो 40 रुपए पाव दे रहे हैं भैया, ये देख सकते हैं। तो हम लोग ना अभी चाउमीन खाने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ भैया के यहाँ चाउमीन मिल गए तो चाउमीन खाते हैं। थोड़ा कल से नवरात्रि लग रही है, आज चाउमीन खा लेते हैं हम लोग। कल से तो खाने को मिलेगा नहीं भाई, आज ही खा लेते हैं हम लोग। और उजाला उजाले में ही खा लेते हैं, फिर अंधेरे में भी नहीं खा सकते हैं। कार्तिक ने सोया दूध ले लिया है और कह रहा है ये मस्त हो रहा है। ये देखो सही हो रही
तो सोयाबीन मिल्क के नाम से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठगा भी जा रहा है, लेकिन ना यहाँ पर को ना असली वाला सोयाबीन मिल्क मिल रहा है। तो बहुत जगह मैंने देखा और हम लोगों ने पिया भी ना, तो हमने तो फेंक दिया था। और तो ऐसा भी होता है यहाँ पे लोग तो बच्चे लस्सी पी रहे हैं, लस्सी पी रहा है पार्टी के में डटा पड़ा है, दूसरा दूध पीने लगा दूसरा दूध। एकता लोग भी आ गए हैं, दिल्ली लोग भी आ गए हैं, सब लोग यहाँ पर दुनिया के बाहर ले रहे हैं। हाँ ये देखो बच्चों को क्या चाहिए, कितने का है भैया ये देखो ऐसा मेरा भी हो गया है फ्रेंड्स, तो अब घर को जाएंगे यहाँ से और सब्जी वगैरह भी लगाई है यहाँ को। फिर से हम पहुँच गए हैं पौधों के यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो पौधे बिक रहे हैं। लाइट्स लग गई हैं, रात का टाइम है। तो मेरा देख करके बाहर आ गए हैं, ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो चलते हैं बाहर और बैठ गए अब गाड़ी में, फिर चलते हैं अब घर को। ये प्रसाद शिक्षा निदेशालय। तो फ्रेंड्स हम लोग ना घर पहुंच गए हैं और वहां पे ना इतनी भीड़ हो रही थी पन्नागर में कि ना बहुत सारे बच्चे खो भी जा रहे थे, तो अनाउंसमेंट हो रहा था उनके लिए। तो ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डर भी है, तो बच्चों को ना अपने साथ साथ ही ले जाना हुआ, जहाँ भी ले जाना हुआ उनका हाथ पकड़ करके लेके जाना हुआ। छोटे बच्चों के साथ तो क्योंकि वो इधर उधर चले जाते तो वहाँ पे ना भीड़ में दिखाई भी नहीं दे रहे बच्चे, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगा कि मतलब हम सेफली अपने घर पहुँच गए हैं। लेकिन वैसे मज़ा बहुत आता है और इस बार ना पन्नागर मेला बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉल वगैरह बढ़ाए भी दिए हैं और बहुत सारे नई नई चीज़ें भी लगाई गई हैं, बिस्किट्स वगैरह भी और नई नई चीज़ें लगाई गई हैं। तो वही आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।